यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक जौनपुर पहुंच गए। जौनपुर में उन्होंने सीएचसी रेहटी का औचक निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने सीएचसी में मरीज न देखकर डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाई। इसके अलावा वार्ड में धूल और जाले देखकर डॉक्टर को साफ सफाई करने के कड़े निर्देश दिए। 30 बेड के क्षमता वाले स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने वार्ड में बेड की स्थिति का जायजा भी लिया। डिप्टी सीएम का औचक निरीक्षण तकरीबन 10 मिनट तक चला। इसके बाद वो वाराणसी के लिए प्रस्थान कर गए। गुरुवार की शाम तकरीबन 4 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक जौनपुर पहुंच गए। मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहटी पहुंच गए। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। सबसे पहले उन्होंने सीएचसी में बेड की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद वो वार्ड में बेड देखने पहुंचे। वार्ड में बेड के पास गंदगी देखकर वो डॉक्टर पर भड़क गए। उन्होंने गंदगी देखकर डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने छत पर जाले को साफ करने के निर्देश दिए। अस्पताल की खिड़की खोलकर उन्होंने बताया कि अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में उपस्थित पंजिका भी देखी। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर्स के बारे में जानकारी भी ली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसके बाद NICU वार्ड में पहुंच गए। इसके अलावा मौसमी बीमारियों के चलते जनित रोगों के वार्ड में जाकर भी डिप्टी सीएम ने जायजा लिया। डिप्टी सीएम तकरीबन 10 मिनट तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहटी में मौजूद रहे और इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मचा रहा। आपकी जिम्मेदारी है? नहीं सर, मेरी है सर। ये क्या है? बच्चों को कैसे पकड़ा जाता है? NICU बनानी है सर, जगह छोड़ा जाता है। स्टाफ ने समझ लिया, रात को बेड बनानी है। NICU बनेगा। साथ में 30 बेड है कहाँ? ये भी जैसा मरीज यहाँ कई महीने से नहीं आए थे। आप हालत देखो, डेंगू अभी कहाँ है डॉक्टर? अभी देखो ये पोछा तक नहीं लगा है, झाड़ू तक लेने की जरूरत नहीं थी। कैसे डॉक्टर दोनों काम करेंगे? हम कितनी जगह जाएंगे? अब छोड़ दीजिए, आप छोड़ेंगे आप कितनी जगह जाएंगे बताइए। आप लोग जब हमारी मदद नहीं करोगे डॉक्टर, ये दीवार वाले झूल पर बोलते साफ करने का करने पर खराब है। आप बेड का हालत देखिए, कितने दिन की धूल है ये? आए एक दिन की धूल थोड़ी है, ये महीनों से आप इधर आए नहीं हो। आप आए हैं यहाँ? झाड़ू लगी यार? आज लगी क्या? हम देखिए जाला देखिए, देखिए एक दिन का जाला थोड़ी लग सर, ये 15-20 दिन महीना भर 2 महीने में जाला बनता है। कितने मरीज यहाँ नहीं आए डॉक्टर? डिलीवरी मरीज कब से नहीं आए? एक रूप में वार्ड पूरे हो जाते हैं डॉक्टर। बहुत बुरी हालत है, देखिए अस्पताल इसलिए मरीजों को हम सेवा करें। यहाँ एक मरीज आपके पास बच्चे नहीं कर सकते? नहीं कर नहीं, यहाँ धूल नहीं मिटी है। हमें लगता है मरीजों में आओगे लोग आए नहीं होंगे। अभी देखिए खिड़की तक नहीं खुला है, खिड़की लटक रही, जो धूल आती होगी जब आंधी आती होगी डॉक्टर। ये अपनी जिम्मेदारी आप कैसे निभा रहे हैं? जाला देखिए डॉक्टर, देख रहे हैं हम बार बार तो भेजे है ना? नहीं सर, रोज होना चाहिए डॉक्टर, सफाई ऐसा काम है रोज का है। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन काम मतलब CSC वाला नहीं है। 30 बेड कहाँ है आपके पास? 30 बेड कहाँ है? तो दो ही दो घंटे